हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी एस आई आर यूजीसी नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस एप्टीट्यूड से रिलेटेड पूछे गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को जब हम डील करते हैं तो हमें आ, पता लगता है कि इन ये जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली कुछ टॉपिक्स से ज्यादा पूछे जाते हैं जिनमें कुछ टॉपिक्स हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एवरेज समटाइम्स फ्रॉम सी आई एंड एस आई तो ये कुछ टॉपिक्स है जहां से हमें फ्रीकेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं पे, आ, पेपर ए है में इनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है वो अराउंड फाइव टू सिक्स रहते हैं और इनका डिफिकल्टी लेवल जो रहता है वो क्या रहता है इजी टू मोडरेट ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली इन्हीं पर पूछे जाते हैं वो इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं तो समटाइम्स आपको मिलेगा कि परसेंटेज और एवरेज का कॉम्बिनेशन भी है तो हम डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है सेल्स पर्सन ए सेल्स एन ऑब्जेक्ट एट अ प्राइस रुपीज फाइव लेस देन मार्किंग प्राइस ंग अ कमीशन ऑफ फाइव परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस द सेम ऑब्जेक्ट इज सोल्डन बी एट रुपीज फिफ्टीन लेसिंग प्राइस रिसीविंग प्राइस इफ बोथ एंड बी रिसीव द सेम कमीशन देन वॉट इज मार्किंग प्राइस अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पर्सन है सेल्स पर्सन ए एंड सेल्स पर्सन बी तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई मार्किंग प्राइस है ओके लेट वी एज्यूम देट मार्किंग प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्स सो क्या कह रहा है कि सेल्स पर्सन ए था जिसने एक ऑब्जेक्ट को मार्किंग प्राइस से फाइव रुपीज लेस देन में उसको सेल किया तो उसको कमीशन कितना मिला फाइव परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस का उसको फाइव परसेंट कमीशन मिल गया द सेम ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था उसी को पर्सन बी ने फिफ्टीन लेस देन पर सेल किया ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट फिफ्टीन परसेंट वो भी सेलिंग प्राइस पर और वो कह रहा है कि बोथ एंड बी रिसीव द सेम अमाउंट इन कमीशन डेलिंग प्राइस पर अब प्राइस वुड बी सेम सो मार्किंग प्राइस ऑफ देट ऑब्जेक्ट हमने अज्यूम कर लिया ओके एंड फॉर पर्सन ए वोट वुड बी सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव क्यों क्योंकि क्यों उसने फाइव रूप फाइव क्यों सेल किया है मार्किंग प्राइस के कंपेरिजन में एंड फोर पर्सन बी वोटवुड बी सेलिंग प्राइस एस पी बीज इक्वल टू एक्स माइनस फिफ्टीन बात समझ में आई क्या कह रहा है वो कह रहा है कि फोर पर्सन ए सेलिंग प्राइस क्या होगी मार्केट प्राइस से पांच रुपए कम होगी और इन कंपेरिजन टू बी वो फिफ्टीन रुपीज कम होगी तो अपने पास सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस बी आ गई और वो कह रहा है कि कमीशन उनको जो मिल रहा है वो दोनों को बराबर मिल रहा है कितना मिल रहा है कमीशन कमीशन फॉर ए एंड बी कमीशन फॉर ए एंड बी कितना सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट ए को मिल रहा है सेलिंग प्राइस ए की कितनी होगी एक्स माइनस फाइव उसका कितना परसेंट फाइव परसेंट मीन्स फाइव अपॉन हंड्रेड वुड बी इक्वल टू कमीशन ऑफ बी दैट इज एक्स माइनस फिफ्टीन मल्टीप्लाय बाय फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड क्या किया कुछ नहीं कमीशन ए का जितना कमीशन था उसको बराबर कर दिया किसके बी के, के कमीशन के और वो भी किस पर सेलिंग प्राइस पर तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं हंड्रेड कैंसल आउट फाइव थ्री टाइम्स नाउ एक्स माइनस फाइव वुड बी इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर्टी फाइव आफ्टर कैलकुलेटिंग इट वी वुड गेट टू एक्स इज इक्वल टू फोर्टी इज एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी रुपीज सो एक्स क्या था हमारा कितना ट्वेंटी देन ऑप्शन बी वुर आंसर प्लीज नोट इट डाउन सो इज़ ने स्टूडेंट रिसीव द फॉलोइंग मार्क्स इन फाइव ऑफ सिक्स एंड नाइनटी टू एवरेज ऑफ हिज मार्क्स इन ही फाइव

सम ऑफ सिक्स सब्जेक्ट मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देट वुड बी इक्वल टू सिक्स सो इसने एवरेज दिया हुआ एवरेज कितना है एवरेज उसने जो इसके मार्क्स का दिया है सिक्स सब्जेक्ट्स का वो है एट्टी फाइव सो एट्टी फाइव वुड बी इक्वल टू सम ऑफ़ सब्जेक्ट मार्क्स तो कितने थे उसके 91 plus 86 plus 81 plus 79 plus 92. ये तो हो फाइव और अपन ने एक और सब्जेक्ट मान लिया उसमें मार्क्स आए सो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको एंड तो जब इसको सम करेंगे तो फोर ट्वेंटी प्लस एक्स कुछ नहीं है एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी अपने को फाइव वन जीरो माइनस फोर टू नाइन देट वुड बीवल टू

जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि पास होने के लिए उसको टोटल फोर्टी परसेंट मार्क्स चाहिए मींस पहले तो हम टोटल कर लेते हैं सब्जेक्ट ए मार्क्स कितने मार्क्स का वो पेपर था दैट इज थर्टी सब्जेक्ट बी मार्क्स ये टोटल मार्क्स है दैट इज सेवेंटी सो टोटल मार्क्स कितने हो गए टोटल मार्क्स वुड बी एंड वो क्या कह रहा है स्टूडेंट so, है सो टू पास एग्जाम एटलीस्ट कितने मार्क्सो फोर्टी परसेंट तो फोर्टी परसेंट ऑफ हंड्रेड कितना हो जाएगा क्योंकि तो, टोटल भी हंड्रेड कितना फोर्टी तो टोटल उसको फोर्टी मार्क्स की रिक्वायरमेंट है किसी भी स्टूडेंट को पास होने के लिए ए और बी के मिलाकर अब वो कह रहा है कि एटलीस्ट फोर्टी परसेंट इन बी भी रिक्वायरमेंट है मतलब बी के एग्जाम बी के मार्क्स टोटल कितने थे सेवेंटी और इसका फोर्टी परसेंट अगर निकाल लें देस एस वन से लेकर एस4 तक के स्टूडेंट्स को अगर पास होना है तो टोटल ए, उनको मार्क्स चाहिए 40 ए और बी में मिलाकर और बी में उनको कितने चाहिए 20 28 सो so, ए के लिए मार्क्स कितने हो जाएंगे 40 28 दैट वुड बी 12 मतलब ए के ए सब्जेक्ट के लिए तो 12 मार्क्स लाने जरूरी हैं और बी के लिए 28 लाने जरूरी हैं अब देख लो कि किसके किस स्टूडेंट किस के इतने मार्क्स हैं तो एस वन के दिख रहा है हमें ए में ट्वेल्व मार्क्स है और बी में ट्वेंटी है इट जो स्टूडेंट पास हुआ है, उस में वो है S1. आप नोट डाउन कर लीजिए सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है और तीन क्वेश्चंस जो हमने देखे हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो बेसिकली मार्किंग प्राइस और सेलिंग प्राइस पर बेस्ड था तो उसमें हमने डायरेक्ट कंसेप्ट को अप्लाई किया कि कमीशन को इक्वल किया और हमारा आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा एवरेज से रिलेटेड था उसमें भी डायरेक्ट हमने कंसेप्ट uh, को अप्लाई किया एवरेज का फॉर्मूला लगाया और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन में जो हमने डील किया है वो है परसेंटेज बिहार पर तो उसमें हमने क्या किया पहले परसेंटेज वाइज मार्क्स दोनों सब्जेक्ट के निकाले एंड उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑप्शन दिए हुए थे उन ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट आंसर था उसको हमने निकाला ओके ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम थैंक यू